आज की ना पति देव की फेवरेट एकदम गांव वाले खाना बनाया जाए। एकदम ठंडी के टाइम हो और गांव में ना साग रोटी, चावल की रोटी, मटर और मेथी की सब्जी या मिर्च लहसुन का चटनी ना बने ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे लाई थी मेथी एंड पालक, इन सबको मैं काट कर ना फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसे ये 2-3 दिन चल जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और जब बनाना होता है तो आप सीधा निकाल के बना लो। तो यहाँ पे मैं मेथी को, सॉरी पालक को प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ नमक के साथ और थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे पालक अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। क्योंकि अगर आप कढ़ाई में बनाते हो ना तो बहुत लंबा टाइम लगता है, तो फटाफट प्रेशर कुकर में डालो, झटपट हो जाती है। एंड उसके बाद हमें मेथी कट करनी है, क्योंकि मेथी मटर की सब्जी इतनी टेस्टी होती है ना, एंड ठंड के टाइम और मेथी मटर ना खाए तो वही हो ही नहीं सकता। तो हमें मेथी को बारीक काटना है, आप चाहे तो हल्की सी मेथी को आप उबाल सकते हैं, फिर मैं उसे तेल में फ्राई कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मेथी हमारी कट चुकी है, साथ में हम कटेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन। एंड प्याज टमाटर को हम एकदम बारीक कट करनी है छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ पे मेरे पालक भी अच्छे से उबल चुके हैं, तो हम उसे अच्छे से मथ लेंगे। एंड क्योंकि वो ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब आपको ग्राइंडर में उसे पीसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे पालक कोई भी साग ना अगर आप उसे मथ के बनाते हो ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हम साग में लगाएंगे तड़का, क्योंकि बिना तड़के के साग अधूरी है। इसमें डालेंगे जीरा थोड़े से तेल में, बहुत सारी सूखी हुई मिर्च, साथ में लहसुन भी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जब तक साग में सूखी वाली मिर्च और लहसुन का तड़का ना लगे ना, तो साग एकदम फीकी फीकी होती है। एंड उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर प्याज, ऐसे अच्छे से भूनेंगे। और मैं हींग डालना भूल गई थी, तो आप जब लहसुन और मिर्च डालना तभी आप हींग डाल देना। और एक चीज़ आपको पता है, मतलब हमारे घर पे ना, मतलब मैं बिहार से हूँ, तो मेरे घर पे ना ठंड के टाइम में भाई सब दादी एकदम सुबह सुबह उठ के वो साग एंड चावल की रोटी बनाती थी। उसके बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, क्योंकि हम लोग नमक ऑलरेडी साग में डाल चुके थे। उसके बाद इसमें साग डाल के उसे तब तक पकाएंगे जब तक साग में की जितनी पानी है ना वो अच्छे से सूख नहीं जाए। और खाना जब झटपट बनाना होता है ना, तब दोनों साइड बनाना ही होती है, दो हाथ को चार हाथ बनाना पड़ता है। एंड एक साइड मैंने रखा फ्राई पैन, फ्राई पैन में डालेंगे मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा पचफोरन। अब उसमें मैं डालूंगी मेथी। अगर आप मेथी उबाल ले रहे हैं तब वो फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं उबाल रहे तो आप उसे हल्की से फ्राई कर लें। और मेथी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसे मैंने फ्राई कर लिया हुआ। अब इसे मैं दूसरे प्लेट में निकालूंगी, फिर साथ में मैं इसी पेन फ्राई पैन में ना मटर फ्राई करूंगी। मटर भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। एंड उसके बाद हम मसाले बनाएंगे, जिसमें जीरा, सूखी हुई मिर्च, तेजपत्ता डालेंगे, साथ में प्याज, टमाटर डालेंगे, लहसुन डालेंगे थोड़ी सी, और इन सबको अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी पानी डालकर अच्छे से मसाले पकाएंगे, जब तक मसाले हमारे पूरे अच्छे से पक नहीं जाते। एंड दूसरी साइड हम अपनी साग को भी मिक्स करते रहेंगे, नहीं पता चला हमारी साग जल गई। यहाँ पे मैंने मटर भी डाल दिया था मसाले में, वो वीडियो में मैंने क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने रिकॉर्ड किया था पर पता नहीं क्या हुआ। और मेरे साथ हमेशा होता है, मैं कभी कभी कुछ क्लिप ना मेरे वीडियो से गायब हो जाती है, पता नहीं कैसे, शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया हुआ, जिसे मैंने एकदम गर्म पानी में अच्छे से सान लिया हुआ है, और इसके हम छोटे छोटे लिया करेंगे। एंड चावल का आटा को बहुत ज़्यादा सानना पड़ता है, अगर आप उसे अच्छे से नहीं सानोगे तो उसकी रोटी एकदम फट जाती है। एंड मुझे हाथ पे उतना अच्छे से बनाने नहीं आता, तो मैं फटाफट बेलन से ही बना लेती हूँ। और बेलन से बनाने के फायदे होते हैं, एंड जो मटर और मसाले भून लिए थे उसमें मैं भुना हुआ मेथी भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो इसे कलर कितना, मतलब खाना अगर दिखने में सुंदर हो ना, खाने में स्वादिष्ट होता ही होता है। और आपने मेरे को पता अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम गर्म पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला,
अब हम इसको रखेंगे दूसरे साइड एंड फटाफट सेकेंगे चावल की रोटी। और अब जितनी अच्छे से चावल के आटा सानते हो ना और उतने पतला बेलोगे ना तो बहुत मस्त चावल की रोटी फूल जाती है। एकदम मुझे पतली पतली चावल की रोटी ज़्यादा पसंद है एंड वो जब फूल जाती है ना कसम से मज़ा आ जाता है क्योंकि मेरी रोटियाँ बहुत कम फूलती हैं। अगर आपको भी चावल की रोटी बनाना हार्ड लगता है तो आप ऐसे बना सकते हैं एंड अगर आपका मन करे तो आप इसे हल्की सी गैस पे सेक लें जिससे मतलब वो होता है ना वो आग पे सेका हुआ जो टेस्ट आता है हल्का सा वो आ जाता है। अब हमारा खाना बन चुका है तो फटाफट सर्व करते हैं। तो यहाँ भी थी मटन मेथी रेडी थी, साग रेडी था, रोटी रेडी थी एंड मिर्ची अचार तो मेरी पसंद है तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ जिसमें है मिर्च की अचार, मटर मेथी, साथ में साग, और हमारे खाना का हीरो चावल की रोटी। फटाफट आप ये रेसिपी को ट्राई करें, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ही मुझे कमेंट करके बताएं और खाए पिए इंजॉय करें।